Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Education Platform. Question 4. You are required to prepare the profit and loss appropriation account, necessary journal entries relating to profit and loss appropriation account. आए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अलग कर देना. हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से जो पैसे किसी को देने हैं, पार्टनर्स में तकसीम करने हैं, किसी मकसद के लिए रखने हैं, वो इस अकाउंट में करते हैं. इसलिए इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कि प्रॉफिट की तकसीम, प्रॉफिट की एलोकेशन. सबसे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट या लॉस निकलता है. इसके बाद वो प्रॉफिट इस अकाउंट में आ जाता है एप्रोप्रिएशन में. यहाँ से फिर उसकी तकसीम की जाती है, उसकी एलोकेशन की जाती है. एक्स एंड वाई सेट अप अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 जनवरी 2022. दे कंट्रीब्यूटेड ₹300,000 एंड ₹240,000 रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल्स एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ एंड बी अ कमीशन ऑफ ₹30,000. इट आल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट 6% पर एनम. द ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर ए ₹36,000 एंड बी ₹24,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज ₹1,620 ऑन एज ड्राइंग्स एंड ₹1,080 ऑन बीज ड्राइंग. द नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2022 वाज ₹213,960. ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट पहले से निकाला हुआ है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी एक स्टेटमेंट इससे पहले बन चुकी है, उसमें से ये प्रॉफिट निकला है. अब हम ये प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र कर देंगे. ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आएगा. इधर हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 213,960. ए को सैलरी मिलेगी ₹6,000 महाना और बी को कमीशन मिलेगा ₹30,000. अब होता क्या है कि जो भी सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को या कमीशन मिलेगा, वो उनको कैश में नहीं दिया जाता, वो उनके कैपिटल्स में जमा कर दिया जाता है. अब कैसे जमा करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे. इधर लिख लीजिए जर्नल सैलरी और कमीशन की एंट्री पास करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. जो भी पैसा आप एलोकेट करेंगे, किसी पार्टनर को देंगे या किसी और को देंगे, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. ए को देनी है सैलरी, हम लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट. पीछे भी आप पढ़ चुके हैं कि हम जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जमा कर देते हैं. इसमें ज़्यादा लोग होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो फिर क्या किया जाता है, उनके कैपिटल को अलग अलग क्रेडिट दिए जाते हैं. तो सबसे पहले हम सैलरी कर लेते हैं. ₹6,000 पर मंथ सैलरी है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 72,000. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 72,000 से. और बी को कमीशन देना है, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल क्रेडिट. ये बी को मिल रहा है ₹30,000. अब इसकी इकट्ठी एंट्री भी हो सकती है, कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं. अब लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट एज कैपिटल 72,000 से, बीज कैपिटल 30,000 से. इन दोनों को जमा करके इकट्ठा डेबिट कर दें एक अमाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट 6% पर एनम. अब हम इंटरेस्ट देंगे उनके कैपिटल्स पे.
देखिए, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ए का कैपिटल है 300,000, बी का है 240,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, यदि लिख लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6% से, इसको भी 6% से, ये आ जाएगा 18,000, ये आ जाएगा 14,400। अब ये पार्टनर्स को मिलनी है इंटरेस्ट, बिजनेस का ये खर्चा है, पार्टनर्स की ये इनकम है, और ये इनकम उनके कैपिटल अकाउंट में जमा हो जाएगी। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल क्रेडिट, बी इज कैपिटल क्रेडिट। ए का इंटरेस्ट है 18,000, बी का है 14,400, दोनों को प्लस कर लें, ये आ जाएगा 32,400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज चार्ज रुपीज 1620 ऑन एज ड्राइंग एंड रुपीज 1080 ऑन बी ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये बिजनेस की इनकम है और पार्टनर्स का ये खर्चा है, अपोजिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस की इनकम है। अब इस सिचुएशन में पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हैं ये डेबिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। तो लिखेंगे ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। ये आ जाएगा 2700 से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। अब ये प्रॉफिट हमने एप्रोप्रिएट कर दिया, ये बिजनेस की जो डील थी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड होगा उससे हटके था। मसलन इसने कोई एक्स्ट्रा काम किया, उसके पैसे उसको मिल गए, इसने का एक्स्ट्रा काम किया, इसको सैलरी मिल गई, इन्होंने कैपिटल दिया था उसके ऊपर इसको इंटरेस्ट मिल गया और ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो गया, तो क्या होगा, ये सारे काम करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो पार्टनर के दरमियान उनके तय करदा जो रेशो है उसके मुताबिक तकसीम कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पोस्टिंग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट है, ये डेबिट हो जाएगा 72,000 से, लिखेंगे ए इज कैपिटल, ये हो जाएगा 30,000, बी इज कैपिटल। ये दो चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं, अलग अलग लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट है डेबिट साइड पे 18,000, 14,400 आ जाएगा, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। यहाँ पर एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और दो चीजें हैं, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 1620 1080। अब हम इसका बैलेंस करेंगे, ये बन रहा है 216660, ये साइड ज्यादा है, यही टोटल इधर आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस कर दो, आंसर आ गया 82260। अब ये प्रॉफिट में से हमने जब ये एक्स्ट्रा खदमात की बस जो पार्टनर्स को दिया है, देने के बाद ये प्रॉफिट बच गया। अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स के दरमियान उनकी जो रेशो है 3:2 इसके मुताबिक तकसीम कर देंगे। अगर हम लिखेंगे, और ये भी उनके कैपिटल अकाउंट में जमा हो जाएगा, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 3:2 इन दोनों को जमा करें तो ये बन जाता है 5, तो ए का शेयर हो जाएगा 82260 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 और बी का हो जाएगा 2/5, 4935 6
32904। अब इसकी एंट्री पास कर लीजिए, ये होगा, ये उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड करना है, तो ऐड करने की सूरत में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। आप इधर लिखें ए इज कैपिटल क्रेडिट, बी इज कैपिटल क्रेडिट, 49356 32904 डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 8260 से, और ये एंट्री इधर पोस्ट कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट है, क्रेडिट हो जाएगा ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल 49356 32904। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं।